तो और भाई क्या चल यार तुम्हारा भी आ चुका है न्यू वीडियो के साथ हो वापिस। और आप लोग सोच रहे होगे भाई आज तू फैक्ट्री क्यों जा रहा है, तो आज इसका रीज़न ये है कि मतलब शुरुआत में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो शुरुआत में मेरे को कॉल आ गया था, तो थोड़ी सी गलत लैंडिंग होगी। तो फिलहाल गाइस पीछे दो स्क्वाड उतरी थी इसलिए मैं पीछे साइड नहीं उतरा, क्योंकि मेरे को पता था यार दो स्क्वाड की मतलब जब फाइट होगी एक स्क्वाड मरेगी तो घुस जाएंगे। तो फाइनल गाइस मेरे को गन वन सब मिल गया था तो मैं घुस जाता हूँ, एक स्क्वाड मर भी गई थी वहाँ पे, बिल्कुल मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा था सब चीज़। तो ये तो फिलहाल बोट होता है, मैं कार लेके आता हूँ यहाँ पे, और ये इस घर के ऊपर से मेरे को एक बंदे का साउंड आ रहा होता है, तो मैं इस बोट को फिनिश नहीं करता हूँ, तो मैं आता हूँ इस घर में। लेकिन वो भी बंदा चलाक होता है, वो बंदा मतलब अपना आईक्यू लेवल उसका कुछ ज़्यादा ही हो जाता है यार, वो होता है छत के ऊपर। तो मैं भी चढ़ जाता हूँ और वो बंदा क्या करता है कि जैसे अपनी क्रॉस बो निकाल के उधर देखता है वैसे मैं इधर आता हूँ और इसको इजीली नॉक करके इसको फिनिश भी कर देता हूँ, क्योंकि इसको फिनिश कर देता हूँ। और इसका एक बंदा क्या होता है सामने से आ रहा होता है, अब उसको भी मारेंगे यार। तो गाइस इसके तो दो बंदे को मार दिया था मैंने, और मेरे को लग रहा था अभी इसके दो बचे हैं, तो अभी एक बंदा मेरे क्लोज में आ जाता है और मैं यहाँ पे जैसे एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता हूँ वो बंदा क्या करता है कि वो भी दिमाग लगा के आ जाता है सीरियो पर, मतलब दरवाजे से चल रहा होता है। तो इसको तो फिलहाल इसको भी इजीली मार देता हूँ, और यहाँ पे दो तीन बोट आ जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे मतलब बोट आ गए थे दो तीन, तो तीनों बोटों को तो मैं मार देता हूँ, और मार के बारी होती है यहाँ से निकलने की, क्योंकि यार अभी और किल चाहिए, इतने किल से कुछ नहीं होने वाला, अभी और किल चाहिए हमें। तो फिलहाल मैं यहाँ से कार लेके आ जाता हूँ इस तरफ, क्योंकि किल तो चाहिए ना। तो मैं इस तरफ आता हूँ तो मेरे को लगता है इस साइड कोई नहीं है, लेकिन तभी मेरे को कार का साउंड आता है, तो इतना तो समझ जाता हूँ मैं कि सामने बंदा है। तो गाइस यहाँ पे दो ट्रेन के बोले तो कार, दो कार के बीच में जब टक्कर होती है तो ये सीन होता है। तो फिलहाल इसको तो मैं मार दिया था, और इसके टीममेट कहाँ थे मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो इसको तो मैं मार के यहाँ पे मतलब लूट भी लेता हूँ, लूट के अपनी कार लेके आ जाता हूँ अपार्टमेंट मतलब स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप गिरा था तो मेरे को लग रहा था यार ड्रॉप कोई लूटा नहीं होगा, लेकिन ड्रॉप लूट लिया होता यार बंदों ने, और लूट के बंदे होते हैं स्टेडियम में। और क्या होता है कि मेरे सामने जो है वो क्या बोलते हैं दीवार सी, वहाँ पे बंदे आ गए होते हैं और उन्होंने ही इस बंदे को नॉक किया था, तो इसको तो मैं फिनिश कर देता हूँ, और मेरा बारी होता है उन बंदों के मारने की, तभी एक बंदा मेरे क्लोज आ जाता है। इसको बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, और मेरे को लग रहा था भाई इसका दूसरा बंदा आएगा, और वैसे ही होता है जैसे उसको फिनिश करने जाता हूँ, इसको तो फिलहाल फिनिश कर देता हूँ, तभी मेरे को बग्गी का साउंड आता है, तो मेरे को लगता है यार बग्गी वाला इसका टीममेट ही होगा और वो भी आएगा, ये जो खिड़की है यहीं से काफ़ी बंदे देखता हूँ मैं आते हैं, लेकिन ये भी बंदा चलाक होता है यहाँ से नहीं आता है, वो बंदा मतलब यहाँ से नहीं आता है, तो मेरे को लगता है भाई आएगा किधर से अभी है, तभी मेरे को साउंड आता है जिधर ये बंदा मरा था उस साइड को साउंड आता है, तो मैं इधर आता हूँ। और इस बंदे को भी मैं नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है यार इसके मतलब लोकेशन वोकेशन बता देगा मेरा, और इसके बंदे नेट वेट फेंक देंगे, क्योंकि अभी बंदे बचे थे स्टेडियम में। तो फिलहाल गाइस एक बंदे का मेरे को यहाँ पे साउंड आ रहा था, और कहाँ से आ रहा था मेरे को कोई आइडिया नहीं था, और वो आ रहा था सामने की तरफ से, सामने से किस साइड से आ रहा था मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ नेड की, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं उसको वहाँ पे काफ़ी बंदे टीपीपी ले रहे होते हैं, और वहीं पर होता ये बंदा। तो इसको तो फिलहाल नॉक करता हूँ, नॉक करके थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, मेरे को लगता है यार इसके भी बंदे हैं अभी यहाँ पे, तो ये भी अपने टीममेट को बुलाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता इसका, तो इसको तो फिलहाल फिनिश कर देता हूँ मैं, और इसको फिनिश करने के स्टेडियम में कोई नहीं बचा होता है, तो मैं उठाता हूँ यहाँ पे अपनी कार, और कार उठाने के बाद से आ जाता हूँ अपार्टमेंट में, क्योंकि इधर फ्लेयर व्लेयर चला रखा था लोंडो ने, तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे बंदे हैं, और वैसे ही होता है यहाँ पे एक पूरी स्क्वाड होती है, और एक बंदा तो ऊपर भागता है, और वो क्या करता है कि वहाँ बैठ के टीवी पे ले रहा होता है, तो मैं यहाँ पे एक मूली खींच के मूली फेंक देता हूँ।
तो वैसे यहाँ पे मूली तो मैं फेंकता हूँ, लेकिन मेरे मतलब मूली से वो बंदा नहीं, इसके दो बंदे जो होते हैं जो बाद में गए थे वो डैमेज हो जाते हैं। तो मेरे को इतना तो पता था ये बंदे डैमेज है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये दोनों मतलब तीन बंदे वहीं पे बैठे होते तो मैं वहाँ से पहले फुर्सत में भाग लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पता था अगर वहाँ पे थोड़ा देर भी और रुकता ना तो वहाँ पे दे दी जानी थी मेरे को। तो मैं यहाँ पे एक नेट फेंक देता हूँ, क्योंकि अगर रश करते तो एक बंदा नोक हो जाता इनका। तो मैं यहाँ पे स्मोक जैसे फेंकता हूँ, एक तीनों के तीनों आ रहे होते नीचे, तो मेरे को लगता है यार मेरे पर रश करेंगे ये लोग, लेकिन नहीं, वो तीन थे फिर भी मतलब डर रहे थे मेरे से पता नहीं क्यों, उसको भी लग रहा था कि ये अकेला नहीं है। और ये बंदे देखो कैसे टीपीपी लगा, अगर यहाँ पे नेड होता ना तो यहाँ पे तीनों ही फिनिश थे, क्योंकि तीनों वहीं पे बैठे होते हैं। और तभी उसका एक बंदा यहाँ पे नेड खींचता है, तो मैं वहाँ से निकल देता हूँ और निकलता हूँ, वैसे नेड फूट जाता है वहाँ पे। तो मेरा प्लान होता है कि सामने से मारूंगा, क्योंकि उनका एम था वहाँ पे जहाँ पे मैं पहले टीपीपी ले जाता। और यहाँ पे जैसे आता हूँ बाहर से एक बंदे का साउंड आता है मेरे को, तो मेरे को लगता है यार बाहर भी आया है कोई बंदा। और इस बंदे को मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ, और डैमेज देने के बाद से मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे काफ़ी इसको डैमेज देता हूँ, लेकिन दोनों तरफ से बंदे निकल आते हैं। और ये बंदा कहाँ से आया था, ये शायद वही था जिसका साउंड आया था मेरे को पहले, और मेरे को नहीं पता यार ये बंदा मतलब कौन से स्क्वाड का था, अकेला बचा था ये। तो गाइस वहाँ से मैं कार उठा के आ जाता हूँ ये सामने जो है घर से वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जोन आ चुका था और जोन में फाइट नहीं ले सकता था मैं। तो मैं कार उठा के आता हूँ यहाँ पे, और मेरे को लगता है यहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन पीछे से जो मेरे पे फायरिंग होती है ना यहाँ पे, मतलब मेरे को लगता है मेरा गेम प्ले यहीं पे ख़त्म है। और तभी मैं बच जाता हूँ यहाँ पे और हील कर रहा होता हूँ। और एक राज की बात है कि इस छत पे भी दो बंदे होते हैं। Enemy down. तो इन दोनों को तो मैं नॉक कर देता हूँ। और एक बंदा मेरे को सामने दिखता है जो मेरे पर बहुत गंदा फायरिंग किया था, तो मैं उसको इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं होती है, अगर मैं पीक लेता तो यहाँ पे मतलब वो बंदा मार देता मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पीक ले रहा था। फिलहाल मेरे को वेस्ट भी मिल चुकी थी, और वेस्ट जैसे मिलती है तो जो पीछे वाले चीज स्कोर को मैं छोड़ के आया था वो स्कोर यहाँ पे आ जाती है। तो जो सामने वाला बंदा होता है इस स्कोर का एक बंदा नॉक कर देता है, तो मेरे को यहाँ पे फुल एडवांटेज था। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, और नीचे ये बंदा मतलब इधर टीपीपी ओपीपी ले रहे थे, तो मैं घुसता हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए, क्योंकि इनका ध्यान सामने वाले बंदे पे था। तो इसके एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, और मेरे को पता था यार दूसरा वाला भी जरूर Enemy down. तो जैसे बाहर आता है इसका दूसरा मेरे को मारने के लिए, तो पीछे वाला बंदा इसको मारता है और मैं इसी का फायदा उठा लेता हूँ, उसका ध्यान उधर चल जाता है और मैं इसको नॉक कर देता हूँ। और ये बंदा ऊपर आके हील कर रहा होता है, इसको तो फिलहाल इजीली मार देता हूँ, इसी के साथ ये स्क्वाड को तो मैं मार देता हूँ। और मेरे को इतना पता था यार एक बंदा मेरे सामने है, और एक बंदे की मेरे को लोकेशन नहीं पता थी अभी तक। इस बंदे को डैमेज देता हूँ, लेकिन ये लेट जाता है, और यहाँ पे भी डैमेज देता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल ये इस बंदे को तो नॉक कर देता हूँ, और तभी मेरे को जो लास्ट बंदा है वो भी दिख जाता है जो पेड़ पे है गोली शूट में। और गाइस यहाँ पे मैं ज़्यादा इसलिए पीक नहीं लगा था क्योंकि मेरे को लग रहा था उस पर स्नाइपर है, और मेरे को नहीं पता थी उस पर स्नाइपर है कि नहीं है। और इस बंदे को मैं काफ़ी डैमेज दे देता हूँ जोन के बाहर है, तो मेरे को पता है ये बंदा निकलेगा क्योंकि ये जोन के बाहर था। तो गाइस ये बंदा जैसे जोन के बाहर निकलता है इसको तो फिलहाल इजीली मार देता हूँ, और इसी के साथ हो जाते हैं एक और इजी चिकन डिनर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देगा लाइक, और चैनल कर देगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।